हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्नेक्स, जहां आप सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। दोस्तों, मैं खा रहा हूं बिंगोस के मैड एंगल्स, बहुत ही टेस्टी है, मुझे बहुत पसंद है। टेस्टी होने के अलावा मैड एंगल्स आपको सिखा सकते हैं प्रेपोजिशंस इन इंग्लिश। प्रेपोजिशंस जैसे एट, इन, ऑन। एट, इन और ऑन हम यूज करते हैं इंग्लिश में टाइम बताने के लिए या कोई जगह बताने के लिए, जैसे प्रेपोजिशंस ऑफ प्लेस। ठीक है, आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा इन मैड एंगल्स की मदद से, आप इन तीन प्रेपोजिशंस को यूज करने में कभी भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। तो सबसे पहले इस मैड एंगल को मैंने स्क्रीन पर डाल दिया आपके लिए। ठीक है, तो इस मैड एंगल को मैं सबसे पहले डिवाइड करूंगा तीन पार्ट्स में, ओके? और सबसे ऊपर में डालूंगा एट, बीच में मैं डालूंगा ऑन और नीचे में डालूंगा इन। ये मैड एंगल एक ट्रायंगल की तरह है। ठीक है, ऊपर का हिस्सा छोटा है, नीचे का हिस्सा सबसे बड़ा है और ऊपर का हिस्सा पॉइंटेड है। जैसे अगर मैं उंगली दिखाऊं सामने, उसी तरह से है ट्रायंगल। ठीक है, तो जब भी आपको किसी जगह के बारे में स्पेसिफिकली बताना है, मतलब ऐसे उंगली दिखा के अगर आप बता सकते हो स्पेसिफिकली, तभी आप यूज करोगे एट। क्लियर? जब भी स्पेसिफिकली बताना हो तभी आप क्या यूज करोगे? आप यूज करोगे एट। मतलब अगर आपको किसी जगह का नाम बताना हो, एड्रेस बताना हो या फिर कोई लोकेशन बताना हो, स्पेसिफिक लोकेशन, तब आप यूज करोगे एट। जैसे एट जियो गार्डन्स, या एट 16 MG रोड जो एक एड्रेस है, या एट मुंबई एयरपोर्ट, स्पेसिफिक लोकेशंस है। तो स्पेसिफिक लोकेशंस के लिए इंग्लिश में हम यूज करते हैं एट। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल, अरिजीत सिंह्स कॉन्सर्ट इज एट जियो गार्डन्स। मुझे किसी ने पूछा अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट कहां हो रहा है, तो एट जियो गार्डन्स। आई एम वेटिंग फॉर यू एट MG रोड। मैं MG रोड पर तुम्हारे लिए रुका हूं, स्पेसिफिकली मैं बता रहा हूं, एट MG रोड। वी विल हैव आवर डिनर एट द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट निकल जाना है मुझे, निकलने में बहुत टाइम हो गया, खाना खाने का टाइम नहीं। मैं क्या कह रहा हूं, वी विल हैव आवर डिनर एट द एयरपोर्ट, स्पेसिफिक लोकेशन। तो आई होप दिस इज क्लियर। जब भी आपको एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में बताना हो तो आप यूज करेंगे एट। और इसको याद रखना बहुत आसान है। मैड एंगल को याद रखो, वो ट्रायंगल का पॉइंटेड ऊपर का हिस्सा आप याद रखो एट। क्लियर, चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है ऑन। अगर आप ये ट्रायंगल को देखो, नीचे का हिस्सा बड़ा है, लार्ज स्पेस है, और बीच का हिस्सा छोटा है और ऊपर का हिस्सा पॉइंटेड है, तो बीच का हिस्सा मीडियम है इन कंपैरिजन के ये दोनों सेक्शन से। तो जब भी आपको मीडियम स्पेसेस के बारे में बात करनी हो, ठीक है, मीडियम स्पेसेस के बारे में, तभी आप यूज करोगे ऑन, राइट? तभी आप यूज करोगे ऑन। जैसे अगर आपको किसी फ्लोर के बारे में बात करनी है या किसी सड़क के बारे में, रोड के बारे में, तभी आप यूज करोगे ऑन। जैसे ऑन 13th फ्लोर, या ऑन MG स्ट्रीट या MG रोड, या ऑन द हाईवे, तब हम यूज करते हैं ऑन। फिर अभी आप कहोगे कि स्ट्रीट या सड़क तो बहुत बड़ी होती है, पर अगर आप देखो एक एरिया में एक सड़क कितनी होती है, मीडियम स्पेस होती है। एक बिल्डिंग में फ्लोर कितना होता है, कंपैरेटिवली पूरे बिल्डिंग के मीडियम होता है। हाईवे, वैसे एक शहर में एक हाईवे कितना होगा इन कंपैरिजन टू द होल सिटी, मीडियम होगा। तो तभी आप यूज करोगे ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल, माय फ्रेंड स्टेज ऑन द 13th फ्लोर एंड नॉट एट द 13th फ्लोर और इन द 13th फ्लोर। द शॉप इज राइट ऑन द MG रोड। मुझे किसी ने पूछा दुकान किधर है, मैं कहूंगा द शॉप इज राइट ऑन द MG रोड, वो MG रोड पर ही है। देयर इज ऑलवेज पुअर नेटवर्क ऑन द हाईवे। हाईवे पे हम जब ट्रैवल करते हैं, फोन का नेटवर्क कटता है, बात ठीक से हो नहीं पाती है, अटक अटक की आवाज आती है, राइट? सो देयर इज ऑलवेज पुअर नेटवर्क ऑन द हाईवे। सो आई होप दिस इज क्लियर। ऑन अब यूज करोगे मीडियम स्पेसेस के लिए। और लार्ज, लास्ट जो बचा है वो इन। हम इन यूज करते हैं लार्ज स्पेसेस के लिए। जब जगह बहुत बड़ी हो ना, उसके लिए हम यूज करते हैं लार्ज। जैसे लार्जर एरिया,
किसी शहर का एक बड़ा एरिया, या कोई शहर, कोई कंट्री या कोई स्टेट, ठीक है, जैसे स्टेट महाराष्ट्र है, गुजरात है, तब हम यूज़ करते हैं इन। जैसे इन बांद्रा वेस्ट, बांद्रा वेस्ट मुंबई का एक एरिया है, इन दिल्ली सिटी है, इन सिंगापुर कंट्री है, इन गुजरात, गुजरात एक स्टेट है, तो तभी हम यूज़ करेंगे इन, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मोस्ट बॉलीवुड स्टार्स लिव इन बांद्रा वेस्ट, बहुत सारे बॉलीवुड स्टार, फिल्म स्टार्स बांद्रा वेस्ट में रहते हैं, सलमान खान रहता है, शाहरुख खान रहता है, दे स्टे इन बांद्रा वेस्ट। आई वॉज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली, मैं पैदा हुआ हूँ दिल्ली में, बड़ा भी दिल्ली में ही हुआ हूँ, आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। वी वर इन सिंगापुर टू मीट अ क्लाइंट, हम सिंगापुर में थे क्लाइंट से मिलने के लिए, तो जब भी स्पेस बड़ी हो तब आप यूज करेंगे इन। चलिए क्विकली रिवाइज करते हैं। एट, जब भी कोई चीज़ स्पेसिफिकली बताना हो, मैड एंगल को याद करो, उसका पॉइंटेड जो सेक्शन है उसको याद रखो आप। एट, ऑन मीडियम स्पेस बीच में, और इन लार्ज स्पेस। आई होप आसान है, ठीक है। तो चलिए अभी ये कुछ सेंटेंसेस है, 10 सेंटेंसेस है, आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं आपके रेफरेंस के लिए जो हमने मैड एंगल का ट्रिक सीखा वो भी यहाँ पर रखा है, ताकि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसके जवाब आप दे दो, हम इसे मिलकर सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहला है, लेट्स मीट डैश स्टारबक्स, हाउ डज इट साउंड। स्टारबक्स क्या है? एक स्पेसिफिक लोकेशन है, और स्पेसिफिक लोकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, याद है मैड एंगल का ट्रायंगल, एट। लेट्स मीट एट स्टारबक्स, हाउ डज इट साउंड। स्टारबक्स में मिलते हैं, सही रहेगा, यही मैं कह रहा हूं। आई स्टे डैश 7 क्रॉस रोड्स डैश खार वेस्ट, मेरा एड्रेस है। I stay specific address at crossroads, 7 crossroads, Khar West area है मुंबई में, बड़ा बांद्रा से पहले आता है Khar West, बड़ा area है, in Khar West, clear? Your new flat is located floor, क्या है medium space, क्या use करेंगे आप, on which floor, मैं सवाल पूछूं कहाँ रहते हो, कौन से floor पर रहते हो तुम। There was a deadly accident द हाईवे, हाईवे क्या है, मीडियम स्पेस है, ऑन द हाईवे, राइट। नेक्स्ट है, ओ आई सी, दैट्स द रीजन द रेडियो चैनल रिपोर्टेड हैवी ट्रैफिक डैश मुंबई, मुंबई क्या है, लार्ज एरिया है, इन मुंबई, मतलब समझे, मैंने अगर मेरे फ्रेंड को कहा कि देयर वाज अ डेडली एक्सीडेंट ऑन द हाईवे, मेरा फ्रेंड कहता है ओ I see, that's the reason the radio channels reported heavy traffic in Mumbai. मतलब एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारा ट्रैफिक हो गया मुंबई में, और ये अक्सर होते ही रहता है। The HDFC bank is situated dash the next junction, the next junction, the आर्टिकल है इंग्लिश का, हम यूज़ करते हैं कोई चीज़ स्पेसिफिकली बताने के लिए, और यहाँ पर नेक्स्ट जंक्शन एक लोकेशन है और वो भी स्पेसिफिक है, हम यूज़ करेंगे एट। HDFC bank has more than 5,000 branches India, larger area in India. Are you the one whom I met, ye thoda sa confusing hai, are you the one whom I met dash the party last night. Abhi aap kahoge ye maine yahan par kahin location bataya, street batayi, sab kuch bataya, par maine party ke bare mein to nahi bataya. Acha mujhe ek baat bataye, party hoti kahan par hai, kisi jagah par hogi, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या तुम वही हो जिसे मैं कल रात की पार्टी में मिला था। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिक लोकेशन, पार्टी एक स्पेसिफिक लोकेशन पे हुई थी, एट द पार्टी लास्ट नाइट, आई होप दैट्स क्लियर। तो ऐसे कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हो सकते हैं, पर आपको ये सोचना है कि अगर पार्टी है तो लोकेशन कहाँ, कहीं ना कहीं होगी ना, क्लियर। इट ऑलवेज फ्लड्स मुंबई, बड़ा लार्ज सिटी, इन मुंबई ड्यूरिंग मानसूनस, एंड द शॉप्स, रोड है मीडियम स्पेस, ऑन द एस वी रोड रिमेन क्लोज फॉर वीक्स, और ये हकीकत है, मुंबई में बारिश होती है तो फ्लड्स तो हो ही जाते हैं लो लाइंग एरियाज में, और शॉप्स वहाँ पर कभी कभी हफ्ते हफ्ते बंद रहते हैं, क्लियर। आर क्लाइंट विल मीट अस डायरेक्टली साइट ऑफिस, कोई एड्रेस नहीं है पर साइट ऑफिस किसी जगह पर होगा ना, एक लोकेशन है, स्पेसिफिक लोकेशन है, और सामने वाले को भी पता है कि साइट ऑफिस कहां पर है, एट
the site office. Our client will meet us directly at the site office. So I hope aapko abhi pata hai ki at, in or on, in prepositions ko, in relation to place, kaise use karna hai. I am sure is mad angle ki trick se aap kabhi bhi galti nahi karenge. Main abhi apne mad angles enjoy karne wala hoon, theek hai? Aur jald main aapko milunga ek naye English lesson mein. Tab tak, keep learning English, keep practicing English and take care.